हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा जी, शुरू कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं एक्सरसाइज खोल लेता हूँ। होपफुली अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली तो पहले आप बच्चों वो देख लीजिए, सो दैट की चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, बिकॉज विदाउट इंट्रोडक्शन आपको एक्सरसाइज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? चलिए बच्चे शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट क्या था वो पिछली वीडियो में आप देखिए, ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको नल सेट कहते हैं। चल देखिए यहाँ पर, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं वो टू से डिवाइड हो ही नहीं सकता और टू से डिवाइड हो ही नहीं सकता तो कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है बेटा क्योंकि इवन प्राइम नंबर में टू एक एक इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो इसलिए ये एक नल सेट नहीं हुआ। उसके बाद देखो तीसरा वाला, नेचुरल नंबर जो कि पांच से तो छोटा हो और सात से बड़ा हो, ऐसा कभी संभव है कि कोई नंबर पांच से छोटा भी है और सात से बड़ा भी है? तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये आपका नल सेट हो जाएगा। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर आप दो लाइन आपका पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ये आपका नल सेट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि कोई एलिमेंट पॉसिबल है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में हमने बताया था बेटा कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है काउंटेबल होगा तो फाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा तो इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो ये वाला जो सेट है ये फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट के लिए मैं एफ लिख रहा हूं क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ये काउंटेबल है, ठीक है? उसके बाद ये देखिए बेटा जी, इनफाइनाइट होगा, ये आपको दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, एग्जांपल में मैंने बताया ही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते जाएगा, अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते। ये वाला देखो बेटा जी, ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि एक से लेके गिनती 100 पे जाके खत्म हो रही है, इसका मतलब 100 एलिमेंट है। चौथा देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बेटा इनफाइनाइट होगा क्योंकि 100 से बड़ा तो 101, 102, 103 ऐसे चलता रहेगा मामला, 1000, 2000, 5000, 10000 जितना मर्जी तक जाओ, ठीक है? कोई एंड नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, हाँ बेटा जी ये फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 99 से छोटे प्राइम नंबर की गिनती फिक्स्ड है। जैसे कि मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 ऐसी 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53। बस बेटा जी आगे सोच लेना क्या होता है, ठीक है? तो इस तरीके से 99 से पहले कौन सा होगा, 97 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पेन चेंज कर लेते बच्चे। ओके, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से सेम एग्जांपल है, फाइनाइट है कि नहीं है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो बेटा ये इनफाइनाइट हो गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप जितने मर्जी लाइन खींच दो बेटा, मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन आप जितने मर्जी खींच दो, कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 1000 लाइनें खींच दो, पैरेलल होना चाहिए, तो जितने मर्जी आप लाइन खींच सकते हो, तो वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये बेटा फाइनाइट है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, वो फिक्स है, वो बढ़ते नहीं है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, पांच के मल्टीपल, बेटा ये फाइनाइट हो जाएगा। पांच का मल्टीपल कौन है, एक तो पांच खुद और 1, नहीं 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 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बेटा ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। डिवाइजर नहीं पूछा है, मल्टीपल पूछा है, डिवाइजर नहीं पूछा है, मल्टीपल पूछा है, तो बेटा पांच का टेबल आएगा, पांच का टेबल, तो बेटा 5 5 10 15
ये बढ़ता रहेगा, ये तो फिर खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट था। हाँ जी, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट पार्ट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट है बेटा, मुश्किल है गिनना, बट गिना जा सकता है, ऐसा नहीं गिना नहीं जा सकता है। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बेटा ये इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ओरिजिन से आप जितने मर्जी सर्कल पास कर लो। ये देखो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन होता है, यहां से एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, वट एवर, जितने मर्जी सेट आप सर्कल पास कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी जो इक्वल है या नहीं, ये बताना है हमें। तो जरा देखिए बेटा, इसके अंदर में ए बी सी डी है और इसके अंदर में भी ए बी सी डी है, तो ये इक्वल है। ये क्या है, ये इक्वल है, ए बराबर बी हम कह सकते हैं। यहां पर देखिए, चार आठ बारह सोलह है, चार आठ, इसमें बारह नहीं है बेटा, नॉट इक्वल होगा बेटा, इक्वल नहीं होगा। यहां पर देखो, टू फोर सिक्स एट टेन है, और यहां पर भी पॉजिटिव इवन इंटीजर और 10 से छोटा और 10 के बराबर, तो वो वही बनेगा बेटा। इसका सेट बनाओगे ना आप, टू फोर सिक्स एट और 10, यही बन जाएगा। तो अगर यही बनेगा तो इक्वल होगा ये, क्योंकि एलिमेंट सेम है, एक जैसे एलिमेंट होते तो इक्वल होता है। ये देखो बेटा जी, मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, लेकिन यहां पर 15 भी है, 25 भी है, तो बेटा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, राइट। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में देखो क्या है, एक सेट है ए टू थ्री और एक सेट है बी, इसके सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, बेटा इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप ये कर सकते हो, आपने टेंथ में ये चीज सीखी होगी, फिर भी नहीं सीखी तो ये देखो बेटा, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, सिक्स आ गया, राइट, पहले को और तीसरे को, और फिर इसके आप देखो फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। आप वन इंटू सिक्स कर सकते हो इसको, टू इंटू थ्री कर सकते हो, और हमें ऐसा पेयर चुनना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ऊपर वाला नंबर आ जाए, और प्लस माइनस करने पे ये हमारा बी के बराबर आ जाए। तो बेटा ये देखो, टू प्लस थ्री कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, और सिक्स माइनस वन करूंगा तब भी आ जाएगा, लेकिन सिक्स और माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस सिक्स आएगा, लेकिन हमें चाहिए था प्लस सिक्स, इसलिए हम ये टू और थ्री वाला पेयर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। एक्स को आप कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस टू, और फिर थ्री को कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहां पर देख लो, एक्स प्लस टू और यहां पर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। अब आप यहां पे देखो, जो x की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, वो माइनस टू और माइनस थ्री आएगी, इक्वल टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस टू और माइनस थ्री रहेगी, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये टू और थ्री, तो बेटा इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इधर माइनस टू माइनस थ्री है, इधर टू और थ्री है, तो अपोजिट साइन हो गया ना, इसलिए नहीं होगा। हाँ जी बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में देखो क्या क्या है, एफ है, ओ है, L है और W, ये वाला हो गया, और वुल्फ में भी W O L F, हाँ सही है बेटा, ये इक्वल हो जाएगा, ये A और B सेकंड पार्ट में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो लेटर है वो कॉमन लेटर है, वो सेम लेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट ढूंढने हैं, तो जरा ढूंढ देते बेटा, आराम से ढूंढ देते हैं। टू फोर एट ट्वेल्व, इसके बराबर है कोई, 2 4 8 12 के बराबर, देखो कोई नहीं है, 2 4 8 12 कोई भी नहीं है। 1 2 3 4 है, मतलब ये तो हटा ही दो, इसको हटा दो अब। 1 2 3 4 के बराबर कोई है, देखो ये, हाँ B बराबर E है बेटा, B बराबर E, ये वाला जो है वो इसके बराबर है, और कोई है इसके बराबर नहीं, और कोई नहीं बेटा, इन दो को हटा दो अब। उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा, 4 8 12 16 4 8 12 14 कोई है इसमें, नहीं कोई नहीं है, सी को भी हटा दो, एक काम करो इसको भी हटा दो ना। अब देखो ये ई में माइनस वन जीरो है, माइनस वन वन है, और इसके अंदर भी माइनस वन वन है, तो ई बराबर हो गया जी, ई बराबर हो गया जी, मतलब इसको हटाओ इसको हटाओ। उसके बाद एफ में जीरो ए है, उसके अंदर जीरो वन है, तो ये भी इक्वल नहीं है,
तो सब हटा दो, तो मतलब बी और ई बराबर है एंड ई और जी बराबर है। ठीक है बेटा, 1.2 आपका खत्म होता है। शुभकामनाएं आप सबको, तो धन्यवाद।